हेलो गाइस, तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि विच इज़ बेस्ट पोकेमॉन टू टेक फ्रॉम हॉट सेल एंड व्हाई। क्योंकि बहुत से पोकेमॉन्स के अटैक खरीद सकते हैं, अब वो सब पोकेमॉन के एबिलिटी, अटैक्स और सबका मैं फ़ायदा बताऊंगा। और मैं एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोकेमॉन है, 70 पोकेमॉन है टोटल फॉर्म कन्वर्जन में। तो मैं आज 20-25 बता दूंगा और ये पार्ट वन है, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और पार्ट टू के लिए लाइक एम होगा 150, तो लाइक नहीं किया अभी तक जाओ और लाइक करो, और सब्सक्राइब भी कर देना पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए। मैं सब बताऊंगा कि कौन सा पोकेमॉन बेस्ट है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमॉन है। वैसे फॉर्म कन्वर्जन के बाद वो सभी पोकेमॉन बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, पर बहुत ही सब इसमें से वीक भी हैं और बहुत ही समय कुछ खास चेंजेस नहीं आता है। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा एडिटिंग में और वो सब में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमॉन हैं, तो मैं सब बताऊँगा कौन सा पोकेमॉन अच्छा है और क्यों। और सबसे ज़रूरी बात कि ये मेरा रियल वॉइस नहीं है, ये भी एक वॉइस फ़िल्टर है, क्योंकि पुराना वाला वॉइस फ़िल्टर कुछ खास नहीं था, तो ये थोड़ा अच्छा वॉइस फ़िल्टर, इसलिए अपना असली वॉइस में मैं वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, इतना एक दिन इंतज़ार करो। और इसका अमाउंट तो ठीक है 50 की, मुझे नहीं लगता घटेगा कि फॉर्म करने वाले पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पोकेमॉन है हमारा मेगा ऑडियो इंस्पायर। तो इसकी एबिलिटी तो बहुत ही अच्छा है, ये एक इंस्पिरेशन टैलेंट लाता है, जैसे कि टापू को का इलेक्ट्रिक वाला आता है वैसे इसका इंस्पिरेशन टैलेंट। और जो भी फील्ड का पोकेमॉन है उसका 20% एसपी अटैक बढ़ जाता है, मतलब कि ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन मुझे लगा इसकी, क्योंकि एबिलिटी बहुत ही ढासू है। और इसका अटैक देख लेते हैं इको एडिट, तो ये भी एक इको टैलेंट लाता है जो कि शायद वही इको कह रहा है, और 20% हिट रेट मतलब कि अटैक बढ़ जाता है। और अगर आप ये पोकेमॉन के लाके चेंज करोगे वही टेरेन में, तो जो भी आएगा पोकेमॉन नेक्स्ट वाला, तो उसका 30% एचपी रिकवर हो जाएगा, मतलब कि ये तो एक हीलिंग पोकेमॉन है, ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बहुत ही अच्छा। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है मेगा गैलेड फैंटम ब्लेड। तो इसका टाइप तो बहुत अच्छा साइकिंग फाइटिंग है, उसका बेस स्टैट भी बहुत ही अच्छा है 180p अटैक, और ये तो एक ब्लेड टाइप पोकेमॉन है, और इसका नॉर्मल और फाइटिंग टाइप अटैक घोस्ट टाइप को भी हिट कर सकते हैं, और इसका क्रिटिकल +1, मतलब कि ये तो कटाने की तरह क्रिटिकल स्ट्राइक ही वाला पोकेमॉन है, और ये भी हमेशा क्रिटिकल हिट ही लगाता है, ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, मतलब कि क्रिटिकल हिट बहुत ही कम आता है। और सोडा ब्लेड ये भी क्रिटिकल +1, मतलब जो भी नेक्स्ट अटैक करोगे वो पक्का क्रिटिकल ही लगेगा, मतलब कि ये पोकेमॉन तो बहुत ही अच्छा है, अगर कटाना नहीं आया तो किसका इवेंट आएगा, तो ये तो मैं ज़रूर लूँगा, ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। पर ये पोकेमॉन तो किसी के पास होगा ही नहीं, इसलिए क्या फ़ायदा कहने। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है सुपर ट्रेनिटार। तो इसका बेस्ट एपी अटैक उतना भी कुछ खास नहीं है, और इसकी स्पीड भी अच्छा नहीं है, और इसका टाइप में भी कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है फाइटिंग में 2x2, तो मैं तो नहीं कहूँगा इसे लेने के लिए, क्योंकि इसका वीकनेस भी बहुत ही ज़्यादा है, और इसे कुछ खास पोकेमॉन भी नहीं है, और इसकी एबिलिटी भी कुछ खास नहीं, सिर्फ हैवी वेदर हो जाएगा वो भी सैंडस्टॉर्म वाला, मतलब कि पहले भी वैसा ही कुछ था पर अब हैवी हो जाता है, और इससे बस स्पीड डिफेंस 1- होता है, ये कुछ खास पोकेमॉन नहीं है, और इसका मुझे नहीं लगता इसका अटैक लिया जा सकता होगा, पर मे भी इसका लिया जा सकता होगा, पर ये उतना भी अच्छा पोकेमॉन नहीं है कि इसे लिया जा सके, ये बर्बादी होगा इसका, तो इसे तो मत ही लेना, ये बेकार पोकेमॉन है। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है मेगा गैरडॉस हैवी रेन। तो ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, इसका एसपी अटैक 170 जो कि काफ़ी है, और स्पीड भी अच्छा है, और इसका इलेक्ट्रिक पर 2x2 वीकनेस है, पर इसकी एबिलिटी इसे कवर कर देता है, और इसका वीकनेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसकी एबिलिटी से अगर कोई इस पर अटैक करता है इलेक्ट्रिक टाइप मूव से या कोई भी मूव से, तो हैवी वेदर आ जाता है, मतलब कि हैवी रेन वेदर, जो कि प्री मॉडल को योगर्ट की एबिलिटी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एबिलिटी मुझे रहा, और मैं भी हो सकता हूँ लोग, क्योंकि इस आईडी में ग्रेडोस को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है। और इसका ये तो बस फर्स्ट इंप्रेशन की तरह पहले राउंड में यूज़ किया जा सकता है, और प्रायोरिटी 1-1, मतलब कि ये पोकेमॉन अपोनेंट वाला फ्लिंच हो जाता है, इसका अटैक भी बहुत अच्छा लिया जा सकता है। तो ये पोकेमॉन तो कुछ खास नहीं है लेने लायक, इसका अटैक तो ठीक है, पर ये तो इवेंट में आया नहीं, तो लेने लायक क्या बात है, ये पोकेमॉन तो किसी के पास होगा ही नहीं, इसका वीकनेस से ज़्यादा क्या कहा जाए, इसका रेजिस्ट ज़्यादा तो इसका वीकनेस है, फायर पे तो 2x2 है, मतलब ये तो बहुत ही बेकार पोकेमॉन है, और हैवी हेल वेदर जो कि फिर से मेगा फिर से की एबिलिटी थी, और इसका अटैक जो कि कुछ खास नहीं है, ये बस एक एडिशनल इफेक्ट लिया था इन्हेंसमेंट की तरह, जो कि 1.16 डैमेज लेता है, जो कि कुछ खास ये पोकेमॉन नहीं है, तो इसका इवेंट भी आएगा तो मत ही लेना है, क्योंकि ये तो बहुत ही घटिया। तो गाइज, ये पोकेमॉन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्या पता क्यों, मेरा मेगा पिजॉट एक बहुत ही फेवरेट पोकेमॉन है, और इसका स्पीड अटैक भी 175 है, तो ये तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट पोकेमॉन है,
और मैं तो ये भी लूँगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रॉक, इलेक्ट्रिक और आइस, इसके मात्र तो तीन वीकनेस है जो कि इसके एबिलिटी की वजह से इसका वीकनेस ख़त्म हो जाता है। इसकी एबिलिटी है चिलिंग विंग वेदर, मतलब कि ना ही अपोनेंट का अटैक मिस होगा इस पर और ना ही तुम्हारा अटैक मिस होगा, मतलब कि इसका अटैक कहीं मिस नहीं हो सकता। और अगर ये रहा टेल विंड वेदर में तो इसका वीकनेस ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ये पोकेमॉन विदाउट वीकनेस के रहेगा 4 राउंड तक। और इसका जो सिग्नेचर अटैक है उससे टेल विंड आ जाता है, मतलब कि बुरा बैलेंस पोकेमॉन है, टेल विंड आएगा फिर इसका वीकनेस ख़त्म। तो मैं तो ये भी जरूर लूँगा, क्या पता कि मुझे पिजोन बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छा पोकेमॉन भी है। हुरिकेन पावर और इसका गियर भी बहुत ही अच्छा है, तो मैं तो ये पोकेमॉन जरूर लूँगा, ये लेने लायक भी है। और मुझे अपनी टीम में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी चाहिए, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ले सकते हो। तो नेक्स्ट पोकेमॉन है मेगा ग्लैली पी अटैक, ये तो बहुत ही बेकार पोकेमॉन है, इसका कुछ चेंज होता ही नहीं है, लगभग सिर्फ ये पी अटैकर बन जाता है और इसका वीकनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये पोकेमॉन तो बिल्कुल मत लेना, इसका ना ही कोई सिग्नेचर अटैक है ना ही एबिलिटी में चेंज है, ये सिर्फ विश्व की बर्बादी है। तो ये पोकेमॉन को तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेकार वीक पोकेमॉन है, इसका अटैक एचपी सब बेकार है। तो ये पोकेमॉन मत लेना, तो आप देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन को। सो गाइज, ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, वेलक्विनोआ एक वेपर, इसका बेस्ट स्टैट भी अच्छा खासा है 125 एसपी, अटैक पे एचपी भी अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है। ये तो पोकेमॉन बहुत ही अच्छा जो कि अभी फिलहाल स्पिन में भी आया हुआ है, तो वहाँ से भी ले सकते हो। और इसका टाइप भी बहुत अच्छा है, 3 पे, 2 इंटू रेजिस्ट, स्टील, फायर, आइस। और वीकनेस भी मात्र 3, ग्राउंड, रॉक और इलेक्ट्रिक। तो मतलब टाइप भी अच्छा है, उसकी एबिलिटी देख लेते हैं। और अगर इस पोकेमॉन पे इसी का टाइप वाटर और फेयर इस पर अटैक करोगे तो इसका पावर 25% इंक्रीज हो जाता है, और वाटर टाइप अटैक करोगे तो 10% ही एचपी रिकवर भी करेगा, मतलब कि इसका एबिलिटी तो बहुत ही अच्छा है। और इसका अटैक देख लेते हैं, 50% अगर डिस्पेल द बर्निंग स्टेट, मतलब कि ये लगभग बर्न टाइप का अटैक है, बर्न हो सकता है, इससे हो सकता है बॉइलिंग फ्लेम्स है। और इसका नेक्स्ट है, ये तो पोकेमॉन 100% बर्न कर देता है, ये तो बहुत ही अच्छा अटैक है। और ये पोकेमॉन भी बहुत अच्छा है, इसका गियर भी बहुत अच्छा है, तो ये पोकेमॉन ले सकते हैं जरूर। सो गाइस, इस गेम में बहुत सारे म्यूटू आने की वजह से मेन वाला म्यूटू का इज्जत घट गया था, इसलिए एडमिन ने मेन वाले को भी और पावरफुल बना दिया। अगर ये अटैक पहले करेगा तो उसका डैमेज 20% और अच्छा लगेगा, मतलब कि पावर बढ़ जाएगा। और साइकिक ट्रेनमेंट करेगा तो डबल इफेक्ट वाला मूव का पावर 25% और इंक्रीज हो जाएगा। और ये अच्छा स्पीड वाला पोकेमॉन भी है, तो इससे तो ले सकते हो, पर इसका अटैक आप नहीं ले सकते हो, वाइल्ड शॉक ये तो पक्का नहीं ले सकते। और 50% प्रोबेबिलिटी टू ऐड अ साइकिक स्टेट टू द ओपोनेंट यूज स्टेटस मूव राउंड, मतलब कि ये भी कुछ फ्रोस्ट बाइट या फिर एनहांसमेंट के थ्रू थ्रू एचपी लॉस होता रहेगा। ये पोकेमॉन अच्छा है, पर आप इसका अटैक नहीं ले सकते। सो गाइज, ये पोकेमॉन तो बहुत ही कम लोगों के पास होगा जो वीआईपी 8 या 9 होंगे। तो इसका बेस्ट स्टैट तो बहुत ही अच्छा है 195, और इसका टाइप भी अच्छा साइके फाइटिंग जो कि गैलेट की तरह था, कम वीकनेस और कम रेजिस्ट। और इसकी एबिलिटी का मतलब है जब भी ये पोकेमॉन को डिफीट करेगा इसका अटैक +1 होगा, और ये पोकेमॉन कभी फ्लिंच और या लीसी नहीं हो सकता। और इसका अगर अपना टाइप फाइटिंग और साइकिक टाइप अटैक यूज़ करेगा तब इसका अटैक का पावर 10% और इंक्रीज हो जाएगा। ये अटैक कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपोनेंट का पी डिफेंस -1 हो जाएगा, साइकिक ब्लेड, और इसका अटैक आप नहीं ले सकते हो वाउचर से। और ये बस ऐसे ही अच्छा डैमेज करेगा, टी पावर है। ये भी एक अच्छा पोकेमॉन है डार्क एंड नाइट में, पर ये डबल स्टार के बाद ही फॉर्म कन्वर्जन हो सकता है। इसका एसपी अटैक तो अच्छा है और एसपी डिफेंस भी, और इसका एबिलिटी और इसका अटैक भी और इसका टाइप भी ठीक ही ठाक है। तो इसका एबिलिटी देखते हैं, इसका एबिलिटी तो बहुत ही अच्छा है, अपोनेंट का बेरी नहीं यूज़ हो पाएगा अगर ये फील्ड में रहा तो, और नाइट में ले आएगा उस पर, जो कि अगर पोकेमॉन स्लीप कर रहा है तो 10% एडिशनल एचपी रिड्यूस होगा। और ये तो अटैक से अपोनेंट स्लीप हो जाता है, मतलब अपोनेंट वाला पोकेमॉन स्लीप हो ही जाता है लगभग। और ये नाइट में फियर, ये अटैक आप इसका रिडीम नहीं कर सकते हो। और ये भी 15, अगर पोकेमॉन स्लीप कर रहा है तो 15% मैक्स एचपी में से रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि ये तो पोकेमॉन स्लीप का है, अगर कोई पोकेमॉन स्लीप में है तो ये पोकेमॉन बच ही नहीं सकता। ये भी अच्छा पोकेमॉन ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है सुपर स्टीलिक्स पाइथन, तो ये तो बहुत ही तगड़ा पी डिफेंस वाला पोकेमॉन है। अगर आपके टीम में कोई एसपी अटैकर नहीं बचा तब तो आप जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ही तगड़ा पी डिफेंस वाला पोकेमॉन है। इसका वीकनेस भी 4 ही है, फायर, वाटर, ग्राउंड और फाइटिंग। इसका रेजिस्ट भी अच्छा है, स्टील टाइप पोकेमॉन का हमेशा रेजिस्ट ज़्यादा ही होता है। ये पोकेमॉन तो बहुत ही पावरफुल पी डिफेंस टाइप पोकेमॉन है, पाइथन क्रेजी सैंड। अगर ये फायर टाइप से डैमेज लेता है तो 30% रिड्यूस हो जाता है,
और ये अगर अपना टाइप जो है इसका, तो इसका 1.1% हो जाता है डैमेज इंक्रीज, और अगर ये सैंडस्टॉर्म वेदर में रहा तो 1.3। और सर सिग्नेचर अटैक है जो कि आप ले सकते हो, रिडीम कर सकते हो, ये पोकेमोन को बाइंड टाइप कर लेता है, मतलब कि पोकेमोन को 60 पावर इसका मिनिमम पावर है, मतलब कि वाटर स्पॉट की तरह हायर द एचपी हायर द पावर। तो ये अटैक तो अच्छा है, ये पोकेमोन आप ले सकते हो, आप इसका अटैक भी ले सकते हो क्योंकि एक नॉर्मल पोकेमोन है। हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है मेगा बीड्रिल पंचर, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका 170 पी अटैक हो जाता है और ये तो बहुत ही स्पीड वाला पोकेमोन है, और इसका पी डिफेंस भी ठीक ठाक हो जाता है, इसका वीकनेस भी 4 है। मैं भी इसे बनाने के बारे में सोच रहा था पर अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे अब एक टीम एस पी अटैकर चाहिए, पी अटैकर नहीं। इसका एबिलिटी अच्छा है, इसका 1.5 से 2 इंटू डैमेज होता है, और इफ गेन इफेक्ट काउज बाय द टाइप मूव विल बी इंक्रीज, और अपने टाइप से करेगा तो 30% और पावर भी इंक्रीज हो जाता है। इसका एबिलिटी तो अच्छा है, अडेप्टिबिलिटी से ज़्यादा ही अच्छा है, और इसका सिग्नेचर अटैक से अरोरा वाइल और ये लाइट स्क्रीन इफेक्ट ये सब खत्म हो जाता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा अटैक है और पोकेमोन भी ठीक ठाक है, आप इसे ले सकते हो आप। सो हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है मेगा स्लोबरो, ये भी एक अच्छा एसपी अटैकर और पी डिफेंस टाइप पोकेमोन है, 190 बहुत होता है पी डिफेंस, और इसकी एबिलिटी भी अच्छा है, और इसका टाइप वाटर साइकिक, ये भी ठीक ही ठाक टाइप है, वाटर साइकिक ठीक ही रहता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एबिलिटी में क्या है, सेल डिफेंस कैन नॉट बी, ये कभी इस पर क्रिटिकल हिट लग ही नहीं सकता कुछ भी कर लो, और अगर ये मैसी मूव मतलब कुछ गीला टाइप अटैक बबल में ऐसा कुछ होगा तब इसको एक्वायरिंग स्टेट मिल जाएगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं वाटर सा एनर्जी एड टू एबल टू एड इट्स ओन एच पी टू द अपोनेंट्स एच पी, एंड मतलब कि पेन स्प्लिट की तरह ही ये दोनों का एच पी बांट लेता है पर अपने तरफ 10% ज़्यादा, मतलब अपने तरफ ज़्यादा रख लेता है लालची थोड़ा। और एच पी हीलिंग मूव अपना 30% एच पी रिकवर कर लेता है और अपोनेंट का स्पीड माइनस अटैक और डिफेंस -1 कर देते हैं, मतलब कि ये भी अच्छा खासा डिफेंस टाइप पोकेमोन है पर इसका स्पीड बहुत ही कम है। सो गाइस नेक्स्ट पोकेमोन है डिओक्सिस एजल्ट, तो ये तो फॉर्म कन्वर्जन के बाद बहुत ही अच्छा हो जाता है जैसे मैंने हॉट सेल वाले वीडियो में कहा भी था। इसका टाइप भी अच्छा साइकिक फाइटिंग और पियोसिक बैरियर, मतलब कि ये फैंटम शील्ड लिया आता है ग्राउंड पे 3 राउंड्स के लिए, और इसका पावर 30% बढ़ जाता है, और इसके सिग्नेचर अटैक्स आप नहीं ले सकते हो, इसका जो है बेस्ट अटैक ये आप नहीं ले सकते हो। इसका 140 पावर है पर इसका स्पीड अटैक रिड्यूस हो जाता है ड्रैगन मीटियर की तरह, और ये एक अटैक है रिड्यूस लेवल्स टू नॉर्मल एंड देन अटैक द अपोनेंट गेट एजल्ट स्टेट, सो कुछ एजल्ट स्टेट मिल जाता है ओरिजिन स्टेट की तरह, और क्या इफ़ द अपोनेंट इज इन द प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में रहेगा तो 30% डैमेज ये अटैक कर सकता है, और क्या द डैमेज ऑफ द साइकिक एंड फाइटिंग टाइप एजल्ट स्टेट में वही ओरिजिन की तरह से पावर बढ़ जाता है पर। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है डियाल्गा टाइम, इसका अटैक भी अच्छा है डिफेंस भी अच्छा है, और इसका स्टील और ड्रैगन जो कि अल्ट्रा म्यूटू का ही टाइप है, ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमोन है पर मैं कहूँगा इसका फॉर्म कन्वर्जन मत लो क्योंकि आप इसका अटैक नहीं ले सकते हो। इसकी एबिलिटी तो बहुत ही अच्छा है, 20% अगर ये अपने टाइप का स्टील और ड्रैगन यूज़ करेंगे तो इंक्रीज होता है, और टाइम स्टॉर्म रोल अप द अटैक एट द एंड ऑफ ईच राउंड 5 स्टील टाइप डैमेज, मतलब कि 5% अपोनेंट के एच पी हो सकता है रिड्यूस हो पर आप इसका ये वाला अटैक नहीं ले सकते हो। ड्रिल डैमेगा टाइम गैप कैन सॉक अप टू, और अगर ये आपका ये पोकेमोन ख़त्म भी हो जाता है तब भी इसका जो है टाइम गैप ये अपोनेंट पर रहता ही है पर आप इसका अटैक नहीं ले सकते हो, तो फॉर्म कन्वर्जन का फ़ायदा है क्या, इसलिए आप इसे मत लेना, इवेंट आएगा तब जरूर लेना। टाइम लॉक, अगर टाइम लॉक में होगा तो आपका पोकेमोन अपोनेंट का जो है वो 5 राउंड के लिए डिजेबल्ड हो जाएगा, पर इसका इवेंट आएगा तभी लेना इसका फॉर्म कन्वर्जन क्योंकि इसका तब अटैक के साथ भी आएगा इसका गेयर भी आएगा, तो सब एक साथ ले लेना अभी, यहाँ कन्वर्जन सबसे मत लेना। डियांसी का भी इवेंट बहुत बड़ा आ चुका है फॉर्म कन्वर्जन का, ये तो बहुत ही अच्छा डिफेंसिव टाइप पोकेमोन है पी डिफेंस और एसपी डिफेंस के मामले में, पर आप इसका भी अटैक नहीं ले सकते हो इसलिए इसका भी मत ही लेना। और इसका टाइप अच्छा है रॉक और फेरी पर स्टील पर 2x2 वीकनेस है, इसका टाइप तो अच्छा है, इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप स्टेटस टाइप मूव करते हो तो अपोनेंट का 10% एचपी भी रिड्यूस होता रहता है एडिशनल में, मतलब जब जब स्टेटस टाइप मूव होता है अपोनेंट का 10% डैमेज लगते रहता है, आप इसका ये अटैक नहीं ले सकते हो, अपोनेंट पे स्ली थ्रो कर देता है और आपका पोकेमोन चेंज हो जाता है वही स्विच बोल्ट स्विच की तरह, और ये आपके तरफ रिफ्लेक्ट ले आता है और रिफ्रैक्ट भी ले आता है जो कि पी डिफेंस और आपका डिम का डिफेंस को अप करता है, पर आप इसका ये दोनों अटैक नहीं ले सकते हो। तो अगर इसका भी इवेंट आता है वेस्ट एक्सचेंज से
जो कि पहले आया था तभी इसका लेना। इससे फॉर्म कन्वर्जन शॉप से मत ही लेना, क्योंकि इसका टैग के बिना ये बेकार है, आपका बेस भी बेकार हो जाएगा, सो इससे तो मत ही लेना। गाइस ये पोकेमोन तो बहुत ही अच्छा है, मेगा क्रिमसन म्यूटोफेट। ये तो एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, 195 पी अटैक के साथ स्पीड भी अच्छा है, और पी अटैकर तो हमेशा पावरफुल ही होते हैं। और इसकी एबिलिटी है कि पंचिंग टाइप मोन का 40% पावर और इंक्रीज हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एबिलिटी है, फेट आयरन फिस्ट। और इसका जो अटैक है इससे अपोनेंट पोकेमोन फ्लिंच भी हो सकता है अगर, और इसका स्पीड भी अच्छा, मतलब कि पोकेमोन फ्लिंच हो ही जाता है। और शायद आप इसका अटैक ले सकते हो, मुझे इसका अच्छा याद नहीं, और सुपर आइस पंच, सुपर फायर पंच, सुपर थंडर पंच तो ले ही सकते हो। तो ये पोकेमोन तो बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल पी अटैक, पावरफुल स्पीड, तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि बहुत सबका फेवरेट भी है ये पोकेमोन। ये पोकेमोन भी बहुत ही अच्छा, मेगा गेंगर फॉर्म कन्वर्जन, अच्छा स्पी अटैक और अच्छा स्पीड भी, 180 स्पी अटैक बहुत होता है। और फॉर्म कन्वर्जन के पहले भी अच्छा था, पर फॉर्म कन्वर्जन के बाद इसके एबिलिटी में चेंजेस हो जाता है कि सिर्फ 3 राउंड तक ही अपोनेंट का पोकेमोन बाउंड रहता है ओनली, और ग्राउंड डैमेज 50% रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि इसका डिफेंस भी अच्छा हो ही जाता है। और इससे भी, और इससे अपोनेंट का पोकेमोन फिर से 3 राउंड के लिए, मतलब 3 राउंड अगर एंड होने वाले तो फिर से कर दो, अपोनेंट का पोकेमोन फिर से 3 राउंड के लिए बाउंड हो जाएगा, और उसका 10% HP भी डिक्रीज होता रहेगा। और इसका बेस्टेड भी बहुत ही अच्छा है, और इसका गियर से भी अपोनेंट का 5% HP लॉस होता रहता है, मतलब कि अगर अटैक और वो सब कर दोगे तो 15% तो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये पोकेमोन ले सकते हो, उसका अटैक भी ले सकते हो। ये पोकेमोन भी बहुत ही अच्छा, प्रिमोर्डियल ग्रोडॉन लावा, पर ये सब पोकेमोन का यही है कि फुल इवॉल्व होने के बाद ही फॉर्म कन्वर्जन हो सकता है, सबसे मेन बात। इसका पी अटैक भी अच्छा है, और इसका 3 वीकनेस का दिखा रहा है, इसका तो सिर्फ ग्राउंड ही है, हो सकता है ये ग्लिच हो, क्योंकि ग्राउंड का, कि ये तो ग्राउंड और फायर टाइप ही रहता है, क्या पता शायद ग्लिच है, पर बार बार तो ये दिखा रहा है। इसकी एबिलिटी तो वही है, बस सुपर वही जो हैवी वेदर आ जाता है सनी वेना पोकेमोन में जैसे एबिलिटी, हाँ वही है एबिलिटी, हैवी वेदर आ जाता है सनी, और शायद फायर टाइप का पावर भी इंक्रीज हो ही जाता होगा, और क्योंकि थोड़ा सा तो चेंजेस हो गए फॉर्म कन्वर्जन के बाद। ये पोकेमोन तो बहुत ही अच्छा है, पर इसका जो ये जो अटैक है, द राउंड पावर मूव इंक्रीज बाय द पावर ऑफ द अर्थ, अगर अपोनेंट अपना पोकेमोन चेंज करता है तो उसको 30% मोर डैमेज लगेगा, और ये तो वाटर स्पॉट की तरह है, हायर द HP हायर द पावर EV, द मैक्सिमम द मिनिमम जो इसका पावर जाता है 80 है, पर आप इसका सिग्नेचर अटैक जो है लावा फ्यूरी ऑफ ब्रोकन स्वॉर्ड, वो आप इसका स्किल वाउचर से नहीं ले सकते हो, सिर्फ पेरिसिबल ब्लेड्स ही ले सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप इसका फॉर्म कन्वर्जन शॉप से मत, इवेंट से ही लेना। सो गाइस वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, इसलिए आज मैंने सिर्फ 20 पोकेमोन्स का ही बताया, अच्छा है या नहीं फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया, और ग्रोडॉन तक ही बताया। और अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए ग्रेनिंजा और ये जो इसके आगे भैया है, पार्ट टू के लिए लाइक एम है 150, तो 150 लाइक कर दो, उसके बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा, मैं उसमें 20-25 पोकेमोन का बता दूंगा, उसके बाद पार्ट 3 भी आ जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे 70+ पोकेमोन का बताना, मतलब कि वीडियो 1 घंटे का होना, इसलिए मैंने सोचा है कि वीडियो को पार्ट 1, 2, 3 तक रखूँगा। इसलिए वीडियो का लाइक किया मैं 150 लाइक, और अभी तक लाइक नहीं किया तो जाओ अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सी यू सून, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।